पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में कॉमर्स के प्रोफेसर पर हुए हमले में पुलिस ने 3 छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तीनों आरोपियों ने प्रोफेसर पर सिर्फ इसलिए हमला किया था क्योंकि परीक्षा फॉर्म जमा करते वक्त प्रोफेसर ने फॉर्म को छात्र के मुंह पर फेंक दिया था। तभी से मुख्य आरोपी छात्र प्रोफेसर की तलाश में था। साथियों संग मिलकर छात्र ने हमला कर प्रोफेसर को घायल कर दिया और फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में गत दिनों हिंदू कॉलेज में कॉमर्स के प्रोफेसर पर हमला हुआ था। पुलिस काफी समय से मामले की तलाश कर रही थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो 2 संदिग्ध लोगों की तलाश हुई। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो आरोपी छात्र पकड़ में आए और मामले का खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक छात्रों ने प्रोफेसर पर हमला किया था और गत दिनों प्रोफेसर का रवैया छात्रों के प्रति ठीक नहीं था और परीक्षा फॉर्म लेकर छात्रों के मुंह पर फेंक देता था। नाराज छात्रों ने मौका पाकर प्रोफेसर पर हमला कर दिया। 6/2022 में हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर और कॉमर्स विभाग के जो निशा उल्ला खान और इनके साथ में जीपी शर्मा दो प्रोफेसर थे, इन पे कुछ लोगों ने हमला किया था कोतवाली में और इसमें 3 लोग पकड़े गए हैं। इसमें अमन शर्मा है, प्रशांत सिंह है और आलोक चौधरी हैं। ये लोग कटघर, मझोला और संभल के रहने वाले हैं और इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि जो प्रोफेसर हैं उनके व्यवहार से ये लोग खुश नहीं थे, व्यवहार से परेशान होते थे और इसी चक्कर में इन्होंने प्लान किया कि इनके खिलाफ़ क्या कहते हैं हम लोग हमला करेंगे। तो उसी प्लानिंग में 2 लड़के वहाँ पहुँचे, तीसरा बाइक से उनको वापस लेने गया और अभी शायद इनके साथ एक और व्यक्ति है जो उसमें इन्वॉल्व है, उसको वो वांछित है, उसको भी गिरफ्तार शीघ्र किया जाएगा। हाँ, ये कॉलेज के छात्र हैं, कॉलेज के छात्र नहीं, ये पुरानी किसी घटना से इन्होंने इनकार किया है, इस घटना को इन्हें स्वीकार किया। हाँ, ये चीज़ संज्ञान में आई है तो बट इस बार का जो है ये इन्होंने किया है और ये हिंदू कॉलेज के छात्र हैं, इन्होंने संज्ञान में आके ये कर रही है। आरोपियों को ये आपराधिक इतिहास नहीं, आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और ये एक बदले की भावना में किया गया अपराध। हाँ, छात्र। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।